So everybody knows that India attained its independence on 15th August 1947. Is that clear? 1948 first economic policy bani. 1952. India ka so called constitution enforced hua. 26 January is considered as Republic Day. एंड देर आफ्टर नाइनटीन फोर्टी एट की पॉलिसी से जब कुछ खास सक्सेस नहीं मिले चिल्ड्रेन तो हमने नाइनटीन फिफ्टी सिक्स की पॉलिसी सो कॉल्ड बनाई सो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी इन दैट पॉलिसी मेनी सेक्टर्स वीवन फ्रीडम टू बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट पीपल गवर्नमेंट ने इनको रिलीज कर दिया अपने हाथ से वेर एज नाइनटीन फोर्टी एट तक या फोर्टी एट में जो पॉलिसी बनी वी कैन से ऑल द सेक्टर्स इधर इट बी रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें देर आफ्टर आप रोड uh, डेवलपमेंट की बात करें आप टेलीकॉम की बात करें आप इंश्योरेंस की बात करें आप डिफेंस की बात करें वाटर सप्लाई एवरीथिंग एवरी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट वाई क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि पिछली बार दो चार सौ साल पहले जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी चली आई थी इन द नेम ऑफ इंडिगो एंड टी ट्रेडर्स दे वॉन्टेड टू रूल द कंट्री एंड दे रूल्ड इट तो अब फिर से ऐसा ना हो जाए इसलिए गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर्स अपने हाथ में रखे थे बट कंट्री में तरक्की वॉज जीरो था Economic growth जैसा कुछ था ही नहीं तो 1956 की जो पॉलिसी थी, उसमें थोड़ा सा लिबरलाइजेशन किया गया बट वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं कर पाया एंड फाइनली हमारी कंट्री को अपना गोल्ड प्लेच करना पड़ गया टू वर्ल्ड बैंक चिल्ड्रन और उसके बाद याद आई लोगों को मनमोहन सिंह जी की ये स्टोरी मैं दो चार बार आपको बता चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा तो मनमोहन सिंह जी गए थे उधार मांगने सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक से तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई आप किसकी तरफ से आए हो दे सेड कि भाई मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जनता दल की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय कह रहे आपकी सरकार तो गिर गई अब आप किसकी तरफ से आए हो तो खैर गोल्ड वोल्ड प्लेज करके इनको लोन तो ठीक ठाक मिल गया नाइनटी में इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई और चार सेक्टर्स को छोड़ के ऑल वर प्राइवेटाइज्ड तो आज इंडिया में जितना भी आपको इंटरनेशनलिज्म और इंटरनेशनल ब्रांड नजर आते हैं इट वॉज द गिफ्ट ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज रोल्ड आउट इन दर नाइनटीन 1991. वन इट क्लियर तो गवर्नमेंट ने अपने पास कौन कौन से सेक्टर्स रिजर्व रखे थे चलन? इट वॉज रेलवे इट वॉज डिफेंस इट वॉज एटॉमिक एनर्जी इसको प्राइवेटाइज कर देते तो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी पैकेट में एटम बम भर के दिवाली में बेचते है क्वाटर क्लियर एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन हैवी मेटल्स इंडस्ट्रीज ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखा और बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने का मौका दे दिया देयर आफ्टर भी रिसेंटली चिल्ड्रन रेलवे में थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन आ गया जो तेजस एक्सप्रेस चलती है ये दो तरह की है एक गवर्नमेंट वाली तेजस है इसका टिकट दस बीस परसेंट सस्ता होता है और एक प्राइवेट तेजस है प्राइवेट तेजस अगर लेट हो जाएगी ना तो पर आर आपको रीपेमेंट भी मिलता है इसलिए वो लेट नहीं होती है वंदे भारत में जो केटरिंग है इट इज ऑल इन टू प्राइवेट हैंड्स आई आर सी टी सीटरिंग नहीं करता इट विक एनर्जी सो कॉल्ड पूरा का पूरा चिल्ड्रेन अभी भी स्टिल इन देंड ऑफ गवर्नमेंट है डिफेंस सेक्टर जो अभी लास्ट डील हुई थी जिसमें रफेल खरीदे गए थे तो इंडिया की तरफ से रिलायंस डिफेंस गया था और सो so कॉल्ड उनकी तरफ से दसोल्थ एंटरप्राइजेस जो फ्रांस का है वो आया था क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकती तो इट हैज टू गो थ्रू सम मींस लॉजिक समझ में आ गया तो डिफेंस थोड़ा सा प्राइवेटाइज हो चुका है और रेलवे भी थोड़ा सा प्राइवेटाइज हो चुका है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होगा तभी देश की तरक्की होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लोग या वो लोग खुद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं अपने आप को भारत सरकार का दामाद समझ लेते हैं काम वाम उनको कुछ नहीं करना होता मतलब इट इज नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एम नॉट गोइंग बट डेफिनेटली नाइन्टी केसेस में ऐसा ही होता है चल रहा तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी तो जितना इंटरनेशनल ब्रांड आपको नजर आ रहा है शर्ट ट्राउजर बर्गर कुछ भी आप नाम ले लीजिए सब 91 के बाद ही यहां पे एंट्री मिली तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जितना पैसा बाहर से आएगा उससे जो हमने लोन लिया हम उसको रिपे करेंगे काफी टैक्स डिस्काउंट देने पड़े तीस साल का टैक्स हॉलीडे दिया गया था नाइनटीन में चिल्ड्रन टू द टेलीकॉम सॉरी टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेसिकली ये पहले दस साल का दिया गया था जो 2009 में खत्म हुआ फिर दस साल का एक्सटेंड किया गया था जो 2019 में खत्म हुआ इसी के साथ इंडिया बिकेम द नंबर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर तो ये सारे बेनिफिट किए तभी देश इतनी तरक्की आज कर पा रहा है नहीं तो वही खादी का ये डिजिटल पेन होता और कुछ भी आपको इंडिया में ऐसा ना मिलता जो आज मिल पा रहा है सो पीपल अंडरस्टूड द फैक्ट्स एंड द नीड बिहाइंड पॉलिसी चलन सो कोई बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन नहीं है आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या थे तो पहले की जो पॉलिसीज थी चिल्ड्रेन नाइनटीन फोर्टी एट एंड नाइनटीन फिफ्टी सिक्स दे फोकस्ड ऑन लाइसेंसिंग दे फोकस्ड ऑन प्रोहिबिशन एंड दे फोकस्ड ऑन कोटा सिस्टम अगर आपने अभिषेक बच्चन जी की गुरु मूवी देखी हो तो उसमें यही था ना कि भाई वो छे मशीन लगाने का ही रेस्ट्रिक्शन था उनके ऊपर उन्होंने बारह मशीनें लगाई छह तो मशीन के नाम पे खरीदी और बाकी छह स्पेयर पार्ट के नाम पे खरीद के असेंबल करा ली तो बाद में उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि आपने लाइसेंस से अप्रूवल से कोटे से ज्यादा प्रोड्यूस किया तो मूवी के एंड में इट वॉज शोन कि भाई मैंने ज्यादा प्रोड्यूस किस लिए किया ताकि मैं एक्सपोर्ट करूं ताकि मेरे देश में बाहर से पैसा आए हमेशा हम कब तक भिकारियों का और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाने जाएंगे तो अब जब 1991 की पॉलिसी बनी चल रहे तो इंस्टेड ऑफ एल पी क्यू इट बिकेम एल पी जी इट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात चलिए सो प्लीज पुट दिन रिफॉर्म एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और ये दो लाइन की डेफिनेशन बहुत तेजी से कॉपी कर लीजिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच आर डायरेक्टेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री वेरी क्विकली और ये जो क्राइसिस ऑफ नाइन्टीज है और नाइन्टीज की क्राइसिस में आइसिंग भी बहुत बढ़िया थी उधर नाइन्टी वन में हर्षद मेहता ने स्कैम कर दिया फिर थोड़ा सा सुधार आने लग गया तो नाइनटी टू में ब्लास्ट हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और सो कॉल्ड नाइन्टीज में गल्फ वॉर भी हुई थी जिससे फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए तो हमारा सारी जो बाइंग थी जो इम्पोर्ट थे इट बिकेम डियर एंड एक्सपेंसिव तो कॉम्पोजिशन तीन है बच्चों फर्स्ट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन जो पहले क्या था लाइसेंसिंग P stands for promotion and so called पहले था ये privatization and so called quota system जो था it got converted into globalization तो LPG का मतलब समझ गए licensing prohibition and quota system L P Q थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इन्होंने पता नहीं क्यों तो earlier it was old system was of L P Q एंड न्यू सिस्टम किसका बन गया एलपीजी घर वाला सिलेंडर मत समझ लेना गैस इट इज वॉट प्राइवेटाइजेशन और प्रमोशन भी आप बोल सकते हैं भाई private sector तो हम कर रहे हैं इसको and there after children, it was समझ में आ गया तो एलपीजी और एलपीक्यू का डिफरेंस क्लियर हो क्या चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वी फोकस ऑन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे एंड वील सेटअप प्लांट्स और बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की समझ में आ गया तो कभी शायद ही किसी ने सोचा था कि एप्पल अपना प्लांट इंडिया में लगाएगा सैमसंग अपना प्लांट इंडिया में लगाएगा बीएमडब्ल्यू की कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी हंडई कंपनी का नाम सुना बच्चों आपने आजकल इनकी बड़ी फेमस गाड़ी मार्केट में आ रही है गॉट इट क्लियर तो सो कॉल्ड हिमडई इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है अपनी मैक्सिमम कार्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपोर्टेड टू हांगकांग एज वेल अब सर हांगकांग यहां से बेचते हैं कोरिया में बना लें कोरिया से ट्रैवलिंग कॉस्ट तो ज्यादा ही है लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है तो हिमडई की सबसे पहली गाड़ी जो इंडिया में आई थी इन दर नाइनटी एट चिल्ड्रन दैट वॉज सेंट्रो बीच में बंद हो गई था अभी फिर रिलॉन्च किया उन्होंने अब पता नहीं फिर से बंद हो गई भगवान जाने तो काफी इसका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कार एज जिमनी ये इंडिया में तो इस साल से बिकनी स्टार्ट हुई सिंस लास्ट टू इयर्स जब कोविड खत्म हुआ था लॉकडाउन चल दीजिएगा मारुति सुजुकी तो सुजुकी कहा की कंपनी है जापान की वो जापान में नहीं बनाते जिमनी को कहाँ बनाते हैं इंडिया बना के यहां से एक्सपोर्ट करते हैं वाई इज इट सो भाई जापान तो इतनी दूर है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर इज वेरी ठीक यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट करने में भी उतनी महंगी नहीं पड़ती जितनी वहां पर महंगी पड़ती है ऐसा क्यों है सर क्योंकि भाई यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्योंकि इतना लमसम प्रोडक्शन होता है द कॉस्ट इज वेरी 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 लेस भाई एक छोले भटूरे वाला है वो दिन भर में 400 प्लेट छोला भटूरा बनाता है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी थर्टी रुपीज और ये नाइनटी रुपीज में बेच लेगा बट रेस्टोरेंट वाला है वो बेचारा दिन भर में सौ प्लेट बेचता है समझ में आ गया दोनों अपने शेफ को ठीक ठाक सैलरी देते हैं इनकी कॉस्ट आ रही है सेवेंटी रुपीज प्लस इनके ढेर सारे एक्सपेंसेस भी हैं तो ये तो भाई दो सौ बीस रुपए से कम में बेच ही नहीं पाएंगे तो इंडिया इज अ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब वाई बिकॉज इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पे चीजें आपको बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल हो जाती है समझ में आई बात की नहीं आई बात पक्का चलो ड्यूरिंग लॉकडाउन आई हैड स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू स्टडी इन दुबई और वो मेरे क्लासेस अटेंड करते थे मैंने ऐसे एक वरुण से पूछा कह रहे सर आप तो सेम फीस चार्ज करते हैं जो इंडियन से लेते हैं और हमको फीस पड़ती है कितनी हार्डली 22 दिरम और दुबई के किसी टीचर को पकड़ेंगे वो कहेगा मिनिमम 50 दिरम फीस हमको चाहिए अब 50 दिरम फीस कितनी हो गई चल जरा आप इसको ट्वेंटी टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए नहीं पचास नहीं पांच सौ दे रहा हूँ ट्वेंटी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी ग्यारह हजार पढ़ाएगा वो भी वही पढ़ाऊंगा मैं भी वही बट यहाँ पे कॉस्ट कम है यहाँ पे एक एडवोकेट एफिडेविट बनाने के कितने पैसे लेगा ज्यादा से ज्यादा सौ रुपए यूएस में मुंह फाड़ के कहेगा कि मेरे को कम से कम दस डॉलर दे दो अब जो यूएस का पर्सन होगा वो तो उससे एफिडेविट बनवा लेगा

तो इंडियंस इस तरह का सो कॉल्ड काम वहां पे कर लेते हैं इसीलिए इंडियंस कभी भी फॉरेन कंट्रीज में अपने घर में नौकर नहीं रखते खुद दो चार घर का झाड़ू पोछा बर्तन पकड़ लेते हैं समझ में आया कि नहीं पक्का क्यों क्योंकि भाई पॉपुलेशन कम है तो वहां पे मेरी दीदी रहती है सिडनी में तो उन्होंने घर में झाड़ू पोछे वाली रखी हुई है हफ्ते में एक दिन आती है बस जीजा जी हैज वन हॉस्पिटल एंड फोर क्लिनिक्स पैसे की कोई कमी नहीं है प्राइवेट बोर्ड भी है उनके पास समझ में आ रहा है बट एक दिन झाड़ू पोछे वाली आती है हफ्ते में महीने में चार दिन अभी लास्ट शायद चार पांच साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो देवर टेलिंग की हम उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करते हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी शायद रुपए का होता है अब जरा से मल्टीप्लाई कर दीजिए अच्छा चलिए फिफ्टीन हंड्रेड इंटू सेवेंटी टू कितना हो गया भाई एक लाख रुपए मैंने उनसे कहा मेरे को बुला लीजिए मैं ही कर दूंगा सब काम रहना खाना पीना सब फ्री तो सो ये बहुत है, वहाँ पे है, क्योंकि अपनी ratio, eight, हैं हमारे पास भी है। वहाँ पे एक आदमी के पास आठ नौकरियां आठ लोगों के पास एक नौकरी है तो रेशियो प्रपोर्शन तो मैथ्स का सेम ही चलता है खैर जोक सपाट हिंदुस्तान में है बहुत खुश है बाहर जाके झाड़ू पोछा बर्तन बाथरूम सब कुछ साफ करना पड़ेगा इन्हीं सब चीजों के चलते हमारे आपके जैसे हिंदुस्तानी बाहर जा ही नहीं पाते आपके यहाँ तो चार नौकर होंगे झाड़ू वाली अलग पोछे वाली अलग खाने वाली अलग झाड़ पोछ वाली अलग पापा का ड्राइवर अलग पापा के ऑफिस में चार नौकर अलग समझ में आ गया वहां पे हमारे और आपके जैसे झाड़ू ही लगाते हैं खोपड़े में बात गई और जब आप उनसे पूछिए वाई यू पीपल डोंट हायर वर्कर्स यहाँ गंदगी ही नहीं होती असलियत है कि औकात ही नहीं है नौकर रखने की समझ में आई बात की नहीं आई बात यहाँ तो इंसान के पास इतने पैसे हैं वो खाना खाने की जगह चबाने वाला आदमी भी रख लेता है चलिए सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है इकोनॉमी मीन फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल बाय द गवर्नमेंट जितना प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस करिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि जो भी आप सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे फॉर वॉट पर्पज इट कुड बी यू चिल्ड्रन एक्सपोर्ट के लिए वॉट इट क्लियर सो प्रायर टू नाइनटीन नाइनटी वन ढेर सारे कंट्री में सो so रेस्ट्रिक्शंस होते थे लाइसेंस होना चाहिए आपके पास जैसे आज पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस चाहिए बट आपको सरसों का तेल बेचने के लाइसेंस नहीं चाहिए एक जमाना था बच्चों टेलीविजन सेट बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था कपड़ा बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था बट अब इन सब चीजों के लाइसेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी वॉट इट क्लियर फाइनेंशियल कंट्रोल था कि आप कितना इंपोर्ट कर पाएंगे कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा पाएंगे हर चीज पर रेस्ट्रिक्शन था बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती थी कि गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल करने वाला उनके ऊपर कोई भी हावी ना हो जाए सच इसीलिए काफी रेस्ट्रिक्शन रखा गया था वो बात गई पक्का सो लिबरलाइजेशन लिख के इसकी दो लाइन की डेफिनेशन तो आप लिखेंगे लिखेंगे उसके बाद पॉइंट्स इस तरह से लिखेंगे पहला पॉइंट सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स सेकेंड टाइप चिल्ड्रन सेवरल शॉर्टकमिंग थर्ड राइज टू करप्शन करप्शन सिस्टम में इतना आ गया था कि करप्शन ही सिस्टम बन गया था बिना सुविधा शुल्क के कोई काम होता ही नहीं था ग्रोथ रेट ऑफ जी डी पी हेज फॉल इन शापली तो इन तीन पॉइंट्स को चार पॉइंट्स को वेरी क्विकली लिख लें जीडीपी फॉल इन शापली यहां तक क्विकली चिल्ड्रन चलिए सो so, ये बात सबको समझ में आ गई वॉट वॉज द बेनिफिट फ्रॉम लिबरलाइजेशन और क्यों इसकी जरूरत पड़ी तो अगर आपसे पूछा जाए वॉट वॉज द नीड ऑफ पुटिंग लिबरलाइजेशन एज एन एलिमेंट इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यही आपका आंसर है बच्चों ओके okay? चलिए आगे चलते हैं सो so, सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या आया पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर इजेशन द फर्स्ट चिल्ड्रेन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स सबसे पहले लाइसेंस प्रथा को खत्म किया गया लिकर पे सिगरेट पे डिफेंस पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल्स इस पे लाइसेंस आज भी है चिल्ड्रेन यू कैनॉट सेटअप अ लिकर शॉप यू कैनॉट कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट यू कैनॉट सेल डिफेंस इक्विपमेंट ये नहीं कि बंदू की दुकान खोल ली का आपने वो दिवाली के क्रैकर्स वाली गना आप बेच सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर लाइक एंड ऑल आप इनको नहीं बेच सकते नॉर्मल पटाखे आप बेच सकते हैं बट उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए चिल्ड्रन जो पॉप पॉप होता है ना उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए एल फॉर एवरी टाइप ऑफ दीपावली क्रैकर्स अ लाइसेंस उसके लिए टेम्परेरी लाइसेंस ही चाहिए होता है एंड डेंजरस केमिकल्स जैसे ये अपना बाथरूम क्लीनर टॉयलेट क्लीनर ऑल दैट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सबके लिए बच्चों लाइसेंस चाहिए आपको मनरी चाहिए

डिफेंस में ऐसा नहीं कि मैं टैंक बनाऊंगा तो बनाऊंगा गवर्नमेंट तो तो ने कहा कि भाई हमारा जो काम है, watchdog. हम बिजनेस नहीं करेंगे हम बिजनेसमैन को सिर्फ कंट्रोल करेंगे रिड्यूस so होके एट तक आ गए मतलब आठ सेक्टर्स उस समय भी ऐसे थे जिसपे गवर्नमेंट ही काम कर सकती है दूसरे लोग काम नहीं कर सकते बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज ऑफ टूडे चिल्ड्रेन एटोमिक एनर्जी आप छोड़ दीजिए विच इज होली रिजर्व बाकी सब में थोड़ा थोड़ा सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन है इट क्लियर कुछ तो प्रॉपरली प्राइवेटाइज है कि भाई आप भी दुकान खोल सकते हैं मैं भी खोल सकता हूँ गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है बट कुछ में जहां पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है गवर्नमेंट आउटसोर्स करती है काम आई रिपीट गवर्नमेंट आउटसोर्स करती है तो आउटसोर्सिंग इज ऑल्सो एज गुड एज प्राइवेटाइजेशन समझ में आई बात की नहीं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज डी रिजर्वेशन का मतलब पहले जो एरिया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए या लार्ज स्केल बिजनेसमैन के लिए रिजर्व थे नाउ दे आर अवेलेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसमैन ऑल्सो चिल्ड्रेन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी लाइसेंस राज खत्म कर दिया अगर आपको हमने बोला कि ट्वेंटी थाउजेंड मीटर्स क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग आप एक ईयर में करेंगे इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने पे आपके ऊपर पीनल एक्शन था बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट को नजर आया दैट वी हैव एक्सपोर्ट पॉलिसीज खोपड़े में बात गई तो अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस है उससे इंडिया में रेसेशन नहीं आएगा अगर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन सरप्लस स्टॉक बेचने के लिए हमें प्राइस को कम करना पड़ेगा एंड इफ देर इज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्या हमको प्राइस कम करना पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं समझ में आई बात आई रिमेंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन शायद रहा होगा नॉट गेटिंग ईयर एग्जैक्टली अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे अब तो डेथ हो गई उनकी दो बार से सीतारमन जी या इसके पहले कौन था नॉट गेटिंग एग्जैक्टली दो हजार सत्रह अठारह की बात थी उनकी बजेटरी स्पीच की पहली लाइन ये थी इंडिया में जितने नंबर ऑफ कार बायर्स इंक्रीज हुए एक साल में उतने इंक्रीज नहीं कार जो इंसान खरीद सकता है भाई महीने का, दो तीन हजार का तो फ्यूल वो डलवाएगा डलवाएगा इंश्योरेंस सर्विसिंग एंड ऑल दैट सब खर्च करके भाई पांच छह हजार रुपये महीना तो खर्च करेगा ही करेगा कार पे एक्सेप्शन देर की भाई कुछ ऐसे भी है जिनका हजार रुपए भी नहीं खर्च होता होगा पांच हजार रुपए महीना वो कार पे खर्च कर रहा है मतलब साठ हजार रुपए साल बट वो गवर्नमेंट को टैक्स कितना देता है जीरो तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स के एग्जेस पिछले दस साल से बढ़ाए ही नहीं अंडर सेक्शन गवर्नमेंट यूज टू गिव अ रिबेट सॉरी अ डिडक्शन ऑफ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम टोटल इनकम आज भी बच्चों एक लाख पचास हजार ही है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है अभी रिसेंटली मैं धनतेरस के दो दिन बाद एक ज्वेलरी शॉप पे गया ब्लू स्टोन्स ये पहले टाटा वालों का स्टेक इसमें था आप नहीं है तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपके मेकिंग चार्जेस ज्यादा इसको थोड़ा रिड्यूस करिए तो कस्टमर और आएगा कह रहा सर प्रयागराज सिटी में जो हमारा स्टोर है ये ऑल इंडिया रैंक पे आता है है इतनी सेल है। और उस दिन मैंने उससे पूछा नहीं तुम्हारी सेल कितनी हुई धनतेरस में कह रहा मैं दो दिन से घर ही नहीं गया रात भर में पैसे ही गिन रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कैश परचेज ऑफ ज्वेलरी इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा है समझ में आ गया दो लाख रुपए के ऊपर वो लोग कैश पेमेंट लेते हैं तो क्या करेगा रिच बिजनेसमैन वो अपने नौकर का पैन नंबर दे देगा समझ में आया गवर्नमेंट भी कह रही कोई टेंशन की बात नहीं दो किसी का पैन नंबर क्या फर्क पड़ता है खरीदो ब्लैक मनी से गोल्ड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब गोल्ड खरीदोगे तो तीस परसेंट मेकिंग चार्ज दोगे ना हम उस कॉर्पोरेट से टैक्स ले लेंगे खोपड़े में बात गई कि नहीं गई समझ में आ गया पक्का चलिए सो लाइसेंसिंग खत्म हो गई इंडिया में व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस ये सब कुछ अब किसकी चॉइस पे डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर की चॉइस पे डिपेंड करेगा जितना चाहे उतना मशीन आप खरीदिए आपको कोई भी सो so कॉल्ड मना करने वाला नहीं है मशीनरी के इंपोर्ट पे देर इज नो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट चाहती है दैट वी शुड इन इंडिया शुड हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ताकि हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो आउटपुट जितना ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी वॉट इट ओनली पुट द हेडिंग्स बाकी तो आप रीडिंग करके लिख पाएंगे रट नहीं सकते आप किसी चीज को डन द हेडिंग्स सेकेंड कैटेगरी बच्चों

तो आज आप ट्वेल्व मंथ के बाद का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं डॉलर खरीदने बेचने का एंड दिस इज द न्यूएस्ट बिजनेस टू थाउजेंड एट नाइन इन इंडिया एज वेल चिल्ड्रेन तो ये सारे रिफॉर्म्स इसलिए आए क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा चलता है डेज वर देर की फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट लॉन्च होता था हमें छह महीने बाद मिलता था आज एप्पल का आईफोन जिस दिन न्यूयॉर्क में लॉन्च होता है शिकागो में उसी दिन इंडिया में भी लॉन्च होता है अगर बीएमडब्ल्यू कोशा मर्स अपनी नई कार्स लॉन्च करती है जर्मनी में एक हफ्ते के बाद इट इज अवेलेबल इन इंडिया एज वेल बिकॉज दे नो कि इंडिया बहुत बड़ा और रिच मार्केट है क्योंकि यहाँ के सारे के सारे लोग क्या है लालची बीस लाख रुपया आगे चलो गाड़ी खरीद लेते हैं जरूरत नहीं है पड़ोसी जलाने के लिए पड़ोसी को जलाने के लिए समझ में आई बात सो फाइनेंस सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय एकदम गलत बार लिखा है टोटल बकवास है बच्चों इसको ठीक कर लीजिएगा सेबी वॉट इट क्लियर फाइनेंशियल सेक्टर सेबी कंट्रोल करता है इसमें से जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं चिल्ड्रेन दे आर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई गॉट इट क्लियर समझ में आ गया तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कैसे फिक्स करते हैं ये सब मैंने आपको बैंकिंग में पढ़ाया हुआ है इट फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फ्री प्ले ऑफ द मार्केट का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई जब कंट्री में बोरोइंग की डिमांड बढ़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बोरोइंग की डिमांड घटेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा ग्वाट इट क्लियर मर्चेंट बैंकर्स म्यूचुअल फंड्स पेंशन फंड्स ये सब क्या होते हैं सर हर बैंकर जो लेंडिंग और बोरोइंग के अलावा कुछ काम करता है हम उसे क्या बोलते हैं मर्चेंट बैंकर आप स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर है और आपने अपने क्लाइंट से पैसे लिए शेयर्स बाय करवाने के लिए उसको और सो so कॉल्ड उसके लिए शेयर्स खरीद लिए तो यहां पे ये पैसा किसी बैंक में पड़ा होगा तो जो बैंक आपको स्टॉक मार्केट गिव एंड टेक ऑफ मनी की फैसिलिटी देगा उस बैंक को आप मर्चेंट बैंकर बोलते हैं अपने पास कुछ बैंक के ऊपर तो कंपलजन है कि अगर वो आईपीओ का पैसा किसी कंपनी का रख रहे हैं तो थ्री परसेंट उनके आईपीओ में उनको पैसा लगाना पड़ेगा समझ में आ गया सो इन चेंजेस से कंट्री की ग्रोथ इज वेरी 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 हाई नाइनटीन एटी दर ऑफ माई बर्थ नाइनटीन सेवेंटी नाइन जब जन्म हुआ था

660 करोड़ रुपए है डिमोनिटाइजेशन बढ़ाने की जरूरत है बच्चों ये तो झेला हुआ है सबको पता है क्यों किया गया था डीमोने सही जवाब क्या है ये तो मैं आपको बता दूंगा बुक में क्या बकवास लिखी ये बता दूंगा ब्लैक मनी बाहर आ जाए जो ब्लैक मनी की वजह से इकोनॉमी में टैक्स कुछ लोग सुपर 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 रिच हैं और कुछ गरीब हैं इन लोगों का गैप थोड़ा सा कम हो जाए और ये पैसा जब सिस्टम में आ जाएगा तो गवर्नमेंट के पास बैंक के पास पैसे की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर आपको लोन और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पापा 8 रुपी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देते हैं क्योंकि इंडिया में थर्टी टू फोर्टी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी के टेक्नोलॉजी से चलती है कटिया चोरी से अगर सब लोग बिल देने लग जाए तो बच्चों ये प्राइस एट रुपी से घटके फाइव रुपी हो जाएगा सेम इज द केस एर ऑल्सो क्यों इंडिया में ओनली फोर पॉइंट सेवन सेवन परसेंट पीपल पे टैक्स बिकॉज बाकी की खबर गवर्नमेंट को लग ही नहीं पाती अगर सारे इंडियन अर्निंग मेंबर्स पर्सन टैक्स देने लग जाएं तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी इंसान को शायद दो परसेंट से ज्यादा अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा चलो जस्ट टू परसेंट क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इंडिया में टैक्स देते ही नहीं है वॉट इट और जब डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने करने की सोची कि ये पैसे कंट्री में आएंगे तो बैंक्स का जो बिजनेस होगा वो बहुत डेवलप हो जाएगा तो अगर आपने पैसे कमाए बट आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया तो बच्चों आप एफडी तो करवा नहीं सकते उस पैसे की आप उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं सकते बिकॉज वहां पर पैसा सिर्फ बैंक के थ्रू जाता है और जैसे ही बैंक में पैसा जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा पैसा आया कहां से था तो लोग करते क्या रियल एस्टेट में पैसा लगाते थे जिससे रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाते थे जो नीडी पर्सन होता था उसको घर मिलता ही नहीं था जो सुपर रिच होते थे वो हर दूसरे साल एक नई प्रॉपर्टी खरीदते थे तो ये तो खैर किताब आपको पढ़ा देती है बट रियलिटी क्या थी बच्चों डीमोनेटाइजेशन की जितनी पार्टीज इस कैश मनी को यूज करती थी वोट बैंक खरीदने के लिए उनके पास से पूरी मनी की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ने बंद करा दी अभी अगले साल 2024 में इलेक्शन है फिर से इसलिए 2000 का नोट बंद कर दिया नहीं तो अगले साल भी ये एक्टिविटी चलती है क्योंकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना गवर्नमेंट का फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ की करेंसी वापस आई और इक्कीस हजार करोड़ की करेंसी गवर्नमेंट के पास से छप के गई थी इट्स अ लॉस ऑफ सिक्स थाउजेंड करोड़ तो डीमोनेटाइजेशन से कोई इकोनॉमिक एडवांटेज गवर्नमेंट को नहीं हुआ इट वॉज ओनली अ सोशल एडवांटेज तो जो माइनॉरिटी पार्टीज वोट खरीदती थी लोगों को पैसे से खिला के वो सारी हरकतें बंद हो गई अब एक बार गवर्नमेंट अगले साल फिर आएगी 2024 में अगला गवर्नमेंट को जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है फाइनेंशियल सेक्टर में दे विल स्टॉप द यूज ऑफ चेक क्योंकि चेक से अभी भी ढेर सारे सो कॉल्ड ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शन हो जाते हैं कैसे सर मान लीजिए मैंने टेन थाउजेंड रुपीज का कोई प्रोडक्ट खरीदा आपकी शॉप से आप इसको अपनी सेल वैल्यू नहीं दिखाना चाहते तो आप कहेंगे बैरर चेक दे दीजिए कौन सा चेक बैरर अकाउंट पे ही नहीं होगा मैंने आपको बैरर चेक दे दिया आपने जिस सप्लायर से सामान खरीदा आपने उसको बैरर चेक दे दिया वो फैक्ट्री वाला अपने नौकर से कहता है जाओ अपने अकाउंट में पैसा लेके आ जाओ इसका तो अल्टीमेटली आपने भी अपनी सेल को डॉच किया द इंडस्ट्रियलिस्ट उसने भी अपनी सेल को डॉच किया अगर अट्ठारह परसेंट जीएसटी वाला आइटम आपने उससे खरीदा तो सरकार को चपत लग गई अट्ठारह सो अठारह सौ रुपए की इज दैट क्लियर और नौकर के अकाउंट में पैसे आ गए नौकर का अकाउंट जनधन योजना वाला था वो ट्रैकेबल गवर्नमेंट उसको ट्रैक ही नहीं करती इसमें इतना पैसा आता नहीं और जब तक ट्रैक होने की बात आएगी तब तक कोई कहाँ जा चुका होगा और ये काम इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों सबसे ज्यादा सूरत शहर में होता है कपड़े के बिजनेस में सबसे ज्यादा वहां पर होता है गोट इट क्लियर अब यह अगली बार खत्म होगा और टू का जब इलेक्शन बीजेपी वाले जीतेंगे दे आर गोइंग टू से ओनली एंड ओनली यू विल बी यूजिंग डिजिटल रूपी आरबीआई का जो डिजिटल रूपी है चल रेन वो बिना इंटरनेट के भी काम करेगा अगले साल से अभी तो उसको इंटरनेट का सपोर्ट चाहिए एक ऐसे एप्लीकेशन डेवलप हो जाएंगे वो बटन वाला टुक टुक वाला फोन है ना वो उस पर भी काम करेगा तो जो लोग बोलते हैं गांव में लोग कैसे यूज करेंगे गांव में शहर से ज्यादा यूपीआई इस्तेमाल होता है लॉजिक समझना क्या दस रुपए की नोट क्यों नहीं मिलती मार्केट में गवर्नमेंट तो ने छाप बंद कर दी ये बीस की भी छाप बंद कर देंगे ताकि ज्यादातर लोग ट्रांजेक्शन डिजिटल करें उनकी इनकम पूरी रेग्युलेट होके हमें पता लगे उसके बाद टैक्स रेट भी कम होगा बिल्कुल परेशान मत होइए मतलब जो लोग ब्लैक मनी से खूब अर्निंग करते थे रूलिंग पार्टी uh, को फायदा हुआ और ऑपोजिशन को नुकसान वैसे डीमेरिट का कोई फायदा नहीं था मतलब डीमेरिट कुछ थे नहीं समझ गए बच्चों चलिए फिस्कल रिफॉर्म्स आई सो सबको ये शब्द याद होगा शायद दो पॉलिसीज विच फोकस ऑन टैक्सेशन चिल्ड्रेन फिजिकल पॉलिसीज दो तरह के टैक्स होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पड़ा हुआ सबने मेरे ऊपर थोपा गया मेरी इनकम पे इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स पी वी आर सिनेमा के ऊपर टैक्स लगाया मैंने टिकट खरीदा मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा तो इंपोज किसी और के ऊपर हुआ अल्टीमेटली पे किसी और ने किया इट इज इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2324 फोर एज ऑफ जुलाई 31st 4.77 परसेंट ऑफ द इंडियन इंडिविजुअल्स पे इनकम टैक्स और सर ये इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कितने लोग पे करते हैं 100 परसेंट हर प्रोडक्ट पे जीएसटी है प्रैक्टिकली मैगी के पैकेट में भी है आटे की बोरी में भी है हर प्रोडक्ट पे है तो जीएसटी की चोरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कार आप खरीदें दस लाख रुपए से ऊपर की वन परसेंट का तो तो जीएसटी पे कर दिया उसके ऊपर एसी खरीदी है पचास हजार का कम से कम बारह तेरह हजार रुपए टैक्स है समझ में आ गया तो गवर्नमेंट के लिए कोई बात नहीं इनकम टैक्स चुरा लो कहीं ना कहीं तो इस पैसे को खर्च करोगे ना जहां पे खर्च करोगे हम वहां से तुमसे अट्ठाईस परसेंट लपेटेंगे फ्लैट खरीदा आपने एक करोड़ रुपए का बिल्डर कह रहा है गवर्नमेंट का प्राइस फोर्टी लाख है लाख लाख इन कैश एंड थ्रू चेक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ये जो आपने एक करोड़ का पेमेंट किया बिल्डर ने जब सीमेंट खरीदा था उसने अट्ठाईस परसेंट जीएसटी पे किया था तो आपकी सीमेंट की प्राइस से जो आपने फ्लैट में पे की गवर्नमेंट को वहां से कमाई हो रही है तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है ओके सो so, आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो इसमें मैं बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करूंगा आपका एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर चल रहे किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए वैसे आई की क्लास में क्वेरी तो कोई नहीं होती है बस आपको स्टोरीज याद रखनी पड़ती है ताकि आप वहां पर अच्छा टेक्स्ट लॉन्ग आंसर में लिख पाए ओके